प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को केदारनाथ मंदिर के दर्शन के लिए उत्तराखंड पहुंचे। इस दौरान कुछ ऐसा हुआ कि सब हैरान रह गए। पीएम मोदी जब मंदिर में दर्शन करने से पहले जूते खोलने के लिए बैठे, तभी उनके पास एक मंदिर परिसर में तैनात अफसर आया और जूते खोलने को कहा। उसने मोदी के पैर तक छू लिए, लेकिन मोदी ने फौरन रोक लिया और खुद जूता खोलने लगे और कहा, लौड़े 80,000 के शूज है, 80,000 के, तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा, शूज दे। चलो भाई लोगों और उनकी बहनों, तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होगे। तो आज जो हम बात करने वाले हैं एमसी स्टैन के फेमस डायलॉग, 80,000 के शूज है, 80,000 के, तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा, बारे में, एंड इससे रिलेटेड जो कुछ फनी मेम्स के बारे में भी जो जिक्र करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, एंड अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक लीजिए। जब एमसी स्टैन जब इंस्टा लाइव कर रहे थे तो उन्होंने जब कुछ ये सब बोला जो कि आप देख ही सकते हो। दिखाओ हिप हॉप का और रैप को हिंदी में क्या बोलते हैं, मेरे को वो बताओ भाई लोग। लौड़े 80,000 के शूज है, 80,000 के, तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा, शूज देख। बात मत करो बड़े बड़े। एमसी स्टैन के इस इंस्टा लाइव के बाद जब इतने मेम्स बनने लगे कि वो जब इतने पॉपुलर हो गए, एंड उन्हें जब बिग बॉस में भी बुला लिया गया। माना कि जब एमसी स्टैन जब एक हिपहॉप रैपर हैं, एंड वो जब पहले भी बहुत पॉपुलर थे, बट इस इंस्टा लाइव के बाद जब बहुत ही ज्यादा वो पॉपुलर हो गए। क्या है मेरा 80,000 का जूता, 35 का देखा मेरे को बताया गया भाई, मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ सर। वो ऐसा सीन था कि मैं फ्लेक्स कर रहा था, मेरी जिंदगी में मेरा फर्स्ट टाइम 80,000 का शूज लिया था। वो शूज मैं फ्लेक्स कर रहा था मेरे लाइफ पे सर, तो रैंडमली ऐसा फेमस हो गया कि 80,000 का, और जितने भी स्नीकर हेड है ना, तो उन लोग फुल ऐसा फील करने लगे कि हाँ 80,000 का शूज है ये। तो उस पे रीज बन गया सर, क्या मान कैसे। और कितने का जूता था? 80,000 का था। 80,000 के शूज से रिलेटेड जो बहुत सारे मीम्स भी हैं, आप देखिए। मैं कुछ करता हूँ सच में। ये क्या है? लौड़े 80,000 के शूज है, 80,000 के, तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा। और पहले तो सिर्फ फिर हेरा फेरी का डायलॉग 150 रुपया देगा ही फेमस था। ₹150 देगा, बट अब जो है आजकल जो है 80,000 के शूज भी जो है बहुत फेमस हैं। तो इस पे जो है तन्मय भट्ट जो कि बहुत ही बड़े जो है वो यूट्यूबर हैं, उन्होंने भी जो है रिएक्ट किया एमसी स्टैन के 80,000 के शूज पे। सो दिस इज द न्यू मीम, ओके, दैट आई फाउंड इज वेरी फनी। इट्स एन ऑडियो क्लिप ऑफ समवन। ओके, गेट दैट मदरफकर, गेट हिम, यू ट्राइड टू टेक माय शू। लौड़े 80,000 के शूज है, 80,000 के, तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा, शूज देख। मैं कुछ करता हूँ सच में। ये क्या है? लौड़े 80,000 के शूज है, 80,000 के, तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा, शूज देख। भाई क्या टाइमिंग है भाई, क्या टाइमिंग। तो गाइज ये जो आज का आखिरी मेम रहने वाला है, एंड बहुत ही जबरदस्त मेम है, जो कि आप जानते ही होंगे कि शार्क टैंक एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर शो था, उससे रिलेटेड ये मेम है। शार्क्स अब सोच ही रहे होंगे कि मैं स्नीकर्स को हाथ में लेके क्यों आया हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, लौड़े 80,000 के शूज है, 80,000 के, तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर इसमें चले जाएगा। तो गाइज बस आज के लिए जो इतनी वीडियो थी। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो गाइज अगर आपको जो है वो बार बार जो कस्टमर केयर वाले जो परेशान कर रहे हैं, तो आप उससे बच सकते हो ऐसे। हेलो, यस सर, वेरी गुड मॉर्निंग, मैं आपसे दिव्या बात कर रही हूँ PNB से। हेलो दिव्या, कैसी हैं आप? बहुत दिन बाद फोन किया, क्या हाल चाल है? बढ़िया सर, आप बताइए। लंच जो है ये रही?
सर इन्वेस्टमेंट बैंक के रिगार्डिंग कॉल किया गया है। हाँ छोड़ो, पहले बताओ लंच वंच हुआ? पहले देखो पेट पूजा होनी चाहिए, पहले कुछ बनाया खाना पीना होना चाहिए। काम नाम तो चलता रहेगा दिव्या, काम नाम तो जिंदगी भर। एक बात सोचो, कितने साल से काम कर रही हो? दो चार साल, तो चार साल में काम खत्म हुआ? नहीं, अगले 40 साल भी खत्म नहीं होगा यार। अमा छुट्टी लो, घर जाओ, भाई बहन परिवार के साथ मौज मस्ती करो। ये काम धाम जिंदगी, इसके लिए थोड़ा पैदा हुआ हम लोग, ठीक है? शादी हुई कि नहीं तुम्हारी? नहीं सर। अरे करो यार, जिन चीजों में जिंदगी है उसको तुम लोग करते नहीं हो। खुद की भी जिंदगी फंसा रखी है, लोगों की भी जिंदगी फंसा के रखते हो। शादी ब्याह करो, कुछ घर घर बचाओ, माँ बाप को खुशियां दो, सुख दो। ये कहा ये काम ना मतलब क्या दिव्या, मैं तो समझता था कि तुम थोड़ी समझदार हो। ओके सर, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।